वेलकम बैक टू यू थ्री जी लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 13 13 लेसन में से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम एग्जाम्पल 5th को हल करेंगे। उदाहरण नंबर पाँच में हमारे पास शांता कोई कैंडिडेट है और वो एक उद्योग चलाती है और वो उसका जो है उद्योग चलाती है तो शेड क्या बनाया हुआ है, नीचे से घनाव के आकार का है, ये भाग घनाव के आकार का है, घनाव आकार है, और ऊपर अर्ध बेलन जुड़ा हुआ है। जो उसने इस प्रकार का शेड बनाया हुआ है, नीचे घनाव आकार है और ऊपर अर्ध बेलन 7 मीटर भुजा के बराबर, तो ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये ऊंचाई होगी, तो चौड़ाई के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें मशीनरी लगी हुई है, एक मशीनरी जो 300 घन मीटर स्थान घेरती है और 20 श्रमिक लगे हुए हैं जिसमें एक श्रमिक 0.08 घन मीटर स्थान घेरता है। तो इसमें उपस्थित हवा का आयतन, तो इसका पूरे का हम आयतन निकालेंगे और उसमें से मशीनरी का और जितने श्रमिक स्थान घेरते हैं उसका हम घटा देंगे, बाकी हिस्से में जो है हवा का आयतन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले शेड के आधार की विमाएं हमने लिख दी है, घनाभाकार भाग की ऊंचाई दे रखी है, मशीनरी स्थान घेरती है, 20 श्रमिक में से प्रत्येक श्रमिक अर्थात एक श्रमिक स्थान घेरता है इतना, तो हम यहां पर निकालेंगे सभी श्रमिक, जो कुल श्रमिक हैं सभी श्रमिक श्रमिकों द्वारा स्थान घेरा जाता है। तो सारे श्रमिक कितने स्थान घेरते हैं, 0.08 को हम 20 से गुणा कर देंगे क्योंकि 20 श्रमिक हैं, ये पॉइंट हटाएंगे, 2 0 1 0 से 1 0, 8 2 16, नीचे 1 0 है तो 1.6 घन मीटर, तो सारे श्रमिक इतना स्थान घेरते हैं। अब हम इसके अंदर हवा का आयतन निकालेंगे, कुल आयतन में से सारे श्रमिक स्थान घेरते हैं ये घटा देंगे और मशीनरी स्थान घेरती है ये घटा देंगे, तो शेड में जो हवा का आयतन बच जाएगा। तो शेड का आयतन निकालने के लिए अर्धवेलन का व्यास लिखेंगे सबसे पहले, तो अर्धवेलन का व्यास हमें 7 मीटर दिया हुआ है, तो यहीं पर हम त्रिज्या निकाल सकते हैं अर्धवेलन की, त्रिज्या आर व्यास की आधी होगी 7/2 मीटर। उसके बाद अर्धवेलन की ऊंचाई, लंबाई का काम जो ये इसकी लंबाई है घनाव की, ये इसकी ऊंचाई का काम करेगी, तो अर्धवेलन की जो है लंबाई जो सूत्र में एच का काम करेगी वो क्या होगी, 15 मीटर है हमारे पास। अब हम शेड का आयतन निकालेंगे, तो पूरे शेड का कंप्लीट शेड का आयतन वो क्या होगा, घनाव का आयतन क्योंकि घनाव से बना है और इसके ऊपर अर्धवेलन जुड़ा है, तो प्लस अर्धवेलन का आयतन अर्थात आधे वेलन का आयतन, तो वेलन के आयतन को 2 से भाग कर देंगे, अर्धवेलन का आ जाएगा, तो घनाव का आयतन LBS लंबा, तो हम घनावाकार भाग की ऊंचाई को h लिख देंगे और यहां पर जो अर्धवेलन की जो लंबाई जो h1 लिखेंगे जो h का काम करेगी, तो LBH घनाव का आयतन जो है प्लस अर्धवेलन का, तो पाई r की शक्ति 2 h1/2। अब इसको हल करेंगे, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई 15 मीटर है गुणा चौड़ाई 7 मीटर है, ऊंचाई 8 प्लस पाई 22/7 गुणा आर की 2, आर हमारे पास 7/2 है, तो 7/2 गुणा 7/2 गुणा h1 हमारे पास 15 मीटर है और इसके 2 इसलिए करेंगे क्योंकि आधे वेलन का आयतन। अब हम इसको हल करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 = 2, 11 2 = 22 ये हो गया, अब ये कट नहीं रहा है, इसको गुणा करेंगे तो 15 7 105 गुणा 8 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ 11 7 77 गुणा 15/4 लिखा जाएगा। अब इसको 8 से गुणा करेंगे, 8 5 40, 8 8 840 प्लस 15 की 77 से गुणा करेंगे, 15 7 105 10 15 7 105 और 10 115/4। अब इसको हल करेंगे, 840 प्लस 4 से भाग देंगे, 4 2 8 3 4 8 32 3 4 8 32 3 4 7 28 4 5 20। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 0.75 पीछे रहेगा और 0 8 8
चार आठ बारह 1128 इसको हमने जोड़ा तो 1128.75 घन मीटर आ जाएगा, रकम मीटर में है तो घन मीटर को भी घन में लिखा जाएगा आयतन। ये कंप्लीट जो है शेड का आयतन आ गया। अब शेड में हवा का उपस्थित हवा का आयतन, अब हवा का आयतन कैसे प्राप्त करेंगे, जो हमारे पास आयतन आया है 1128.75 इसमें से घटाएंगे, मशीनरी स्थान घेरती है तो मशीनरी का आयतन 300 माइनस 20 श्रमिक स्थान घेरते हैं तो 20 श्रमिक 1.6 ये दोनों इसमें से लेस होंगे तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। 1128.75 माइनस 300 में एक जोड़ेंगे 301.6 अपनी तरफ से जीरो लगाएंगे क्योंकि इसमें दो अंक है। अब इसको घटाएंगे 505 रिया 7 में 6 1 पॉइंट रिया 8 में से 1 7 फिर यहाँ 2 के 2 फिर यहाँ से हासिल 11 में से 3 8 827.15 घन मीटर ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो शेड में उपस्थित हवा का आयतन रहेगा 827.15 घन मीटर। कुल जो है आयतन शेड का हमारे पास ये रहेगा। इसमें से जो मशीनरी स्थान घेरती है 300 घन मीटर उसको हम घन ने घटाया, उसके बाद 20 श्रमिक स्थान घेरते हैं उसका आयतन हम घटाएंगे तो बाकी जो बच जाएगा वो हवा का आयतन होगा। तो आशा है U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आए स्टूडेंट अवश्य क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक